महाराष्ट्र के उल्लासनगर में जमीनी विवाद पर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और उनके एक साथी ने शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार दी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए शुक्रवार शाम करीब 10 बजे हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां पहले उनमें बहस हुई। तभी गणपत ने इंस्पेक्टर के सामने महेश पर 6 राउंड फायर कर दिए। 2 गोली महेश को लगी और 2 गोलियां उनके साथी राहुल पाटिल को जाकर लग गई। थाने में हंगामा मच गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात को पुलिस ने बीजेपी विधायक को हिरासत में लिया था। शनिवार 3 जनवरी की सुबह विधायक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल्याण पूर्व के द्वारली परिसर में मौजूद प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और स्थानीय लोगों के बीच विवाद चल रहा था। इलाके के लोग शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ के संपर्क में हैं। गणपत और महेश गायकवाड़ के लोगों के बीच नोकझोंक हुई थी। इसी विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ अपने बेटे वैभव और समर्थकों के साथ उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने शिकायत करने पहुंचा था। उधर महेश भी अपने लोगों के साथ थाने पहुंचा था। दोनों पक्षों के बीच इंस्पेक्टर केविन में विवाद हुआ और बीजेपी विधायक ने महेश पर फायर कर दिया था। बताते चले, गणपत गायकवाड़ 3 बार से कल्याण ईस्ट सीट से विधायक हैं। पहले 2 बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस बार वह बीजेपी से विधायक बने। वहीं महेश गायकवाड़ कल्याण पूर्व से शिवसेना से नगर सेवक हैं। उन्हें सीएम एकनाथ शिंदे का बेहद करीबी माना जाता है।